हेलो दोस्तों, आपको हमारे वीडियो में फिर एक बार स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में जैसे चर्चा करेंगे, जैसे कंप्यूटर में जो रैम होती है ना, रैम उसका जैसे कार्य क्या होता है ना। जैसे कंप्यूटर में, जैसे एक कंप्यूटर जैसे बहुत एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, उसमें जैसे मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में जैसे रैम स्लॉट होती है ना। रैम स्लॉट में क्या है, जैसे प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर के जस्ट साइड में रैम स्लॉट होती है। रैम स्लॉट में क्या है, जैसे रैम को फिट किया जाता है। अब रैम कितनी जीबी हो सकते हैं, जैसे 2 जीबी है ना, या फिर प्लस एक कर दिया तो 3 जीबी हो गया ना। फिर उसमें जैसे, या फिर जैसे सीधे सीधे 3 जीबी कोई रैम नहीं आती है ना, या फिर 3 जीबी की रैम भी जैसे सब कुछ जैसे मुमकिन है इस दुनिया में, 3 जीबी की रैम आ जाएगी, या फिर आप जैसे 4 जीबी, 8 जीबी है ना, 16 जीबी है ना, और से 3 जीबी की रैम है ना ये आती नहीं है ना। एक के बाद दो, फिर 4, 8, 16, 32 और फिर 64 है ना। ये जैसे रैम ऐसे करके जैसे मिल जाती है टाइप में है ना। अब जैसे कोई मांगे ना, जैसे 10 जीबी की रैम मिल जाएगी तेरे पास है ना, तो भाई 10 जीबी की रैम नहीं मिलती मिलेगी है ना भाई, 8 और 2 10 कर ले, ऐसे हो जाएगा। एक 8 जीबी की रैम लगा ले 10 जीबी के। अगर तेरे 12 जीबी रैम चाहिए तो ये ऐसे ऐसे कर, जैसे 8 और 4 12, अगर आपको 13 जीबी की रैम चाहिए, 8 प्लस 4 प्लस 1 बराबर 13 हो जाएगा ना तेरी 13 जीबी की रैम। तेरे को 3 रैमों को मिला के करना पड़ेगा ये है ना, एक रैम से अकेले से कुछ नहीं होगा। लेकिन रैम का जो कार्य होता है वो क्या होता है ना, जैसे अगर जैसे कंप्यूटर में अनिवार्य रूप से शॉर्ट टर्म में जैसे मेमोरी होती है ना, जहाँ पर डेटा स्टोर किया जाता है ना। अब डेटा स्टोर किया जाता है तो प्रोसेसर को इसकी आवश्यकता होती है, जो आपको हार्डवेयर में संग्रहित दीर्घकाल के लिए जो साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, जो आपके कंप्यूटर को बंद होने पर वहाँ रहता है ना। जैसे कंप्यूटर में, जैसे कंप्यूटर अगर रैम नहीं होगा तो कंप्यूटर में जैसे क्या होगा, जैसे डिस्प्ले वगैरह, जैसे कंप्यूटर भ्रमित हो जाएगा कि मैं जैसे क्या था, जैसे मेरे पास डेटा कुछ है नहीं, क्या चलाऊँ मैं क्या नहीं चलाऊँ, जैसे कंप्यूटर खुद कन्फ्यूज रहता है रैम के बिना है ना। तो जैसे उससे उसकी वजह से उसमें डिस्प्ले वगैरह कुछ भी शो ही नहीं होता फर्स्ट टाइम तो है ना। तो जैसे डिस्प्ले वगैरह शो कराने के लिए रैम, जो कि डेटा को जो प्रोसेसर के साथ, जो कैश मेमोरी के साथ जो कॉन्टैक्ट करके कंप्यूटर को चलाने में जो हेल्प करती है ना, वो रैम करती है। कंप्यूटर को रनिंग एंड बूटिंग, कंप्यूटर रनिंग एंड बूटिंग करने के लिए रैम का उपयोग किया जाता है ना। जैसे कंप्यूटर में जैसे रैम का कार्य, जैसे अगर कंप्यूटर में कैश मेमोरी जो प्रोसेसर के जस्ट साइड में होती है, वो जैसे क्या होता है, जैसे अपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, वो प्रोसेसर के पास जाएगा, प्रोसेसर सीधा कैश मेमोरी के पास, कैश मेमोरी सीधा प्रोसेसर, और रैम जो स्पीड बढ़ाकर उसको खट्टा दिन से आउटपुट देने का काम ये करती है ना। तो ये रैम का जैसे पूरा कार्य होता है, रैम कितने जीबी की मिल सकती है वो भी है ना। और रैम है ना, जैसे ये जैसे रैम का जैसे कंप्यूटर जो स्पीड होती है ना, उसके ऊपर इसका काफ़ी अच्छा डिफे वो पड़ता है, इफेक्ट है ना, क्योंकि जो बूटिंग वगैरह सिस्टम है उसको अच्छे से रन करने में हेल्प करती है ना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय टाटा। और रैम के बारे में आपको जैसे काफ़ी कुछ सारी जानकारी सीखने को मिली होगी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।